हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ आ रही है कल शाम को, और माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। देखिए, बार बार रीटेस्ट होना ये सभी के लिए ख़राब है, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो हिंदी या इंग्लिश, चाहे वो जो एग्ज़ाम हो स्टेनोग्राफी, उसके लिए भी ख़राब है। कोई भी ये रीटेस्ट जो है, ये अगर बार बार होने लगे ना, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। मैं ये दोनों के लिए कह रहा हूँ। देखिए, हिंदी इंग्लिश ये तो बस बोलने का बात है, लेकिन एक्चुअल है तो सब स्टेनोग्राफर ही ना। तो ये चीज़ देखिए, एक जो एस्पिरेंट है उसके लिए कभी अच्छा नहीं होता है कि वो एक बार, दो बार, तीन बार, वो बार बार रीटेस्ट दे, एग्ज़ाम दे। मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी एग्ज़ाम जो हो चुका था इंग्लिश का रीटेस्ट, इतना तक मुझे पता था कि ठीक ठाक आया था, लेकिन उसका फिर से री एग्ज़ाम क्यों ले रहा है SSC, ये मुझे पता नहीं। और बाकी हिंदी वालों का देखिए, हिंदी वाले जो है एक्सपीरियंस लगभग मान चुके थे चीज़ों को, और वो अपने हिसाब से जो है कट ऑफ क्या हो सकता है क्या नहीं, कब रिजल्ट निकल सकता है, इस ये सब चीज़ का एक आइडिया लेके वेट कर रहे थे सब एस्पिरेंट्स जो है। एक सेटल जैसा एक स्थिति आ गया था, वो आगे की सोच रहे थे, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, और उस हिसाब से अपने ज़िंदगी को जो है आगे बढ़ा के लेके जा रहे थे। फिर एक महीने बाद आप अचानक से रीटेस्ट लेने का फिर से डिसीजन लेते हो, तो ये बहुत ज़्यादा जो है डिस्टरबेंस क्रिएट करता है हर एक एस्पिरेंट्स के ज़िंदगी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही इज़ हिंदी स्टेनो और इंग्लिश। ये चीज़ मैं बार बार हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि बार बार री एग्ज़ाम लेना, ये SSC की पारदर्शिता में भी सवाल उठा रही है, ठीक है। और ऐसा परफेक्शन कुछ नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे रीटेस्ट लेने का सोच रहे हो, और बार बार अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम सेंटर में कोई दिक्कत हुआ था, देखिए इंडिया इतना बड़ा वास्ट कंट्री है, ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारा पड़ता है। अब उसमें से कोई ना कोई सेंटर में अगर कोई दिक्कत हो, तो उस पर्टिकुलर सेंटर में आपको रीटेस्ट लेना चाहिए, ना कि पूरा एस्पिरेंट्स के लिए री एग्ज़ाम आपको शेड्यूल करना चाहिए। तो इससे दिक्कत ये होता है कि दैट वुड बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, रीटेस्ट एक के बाद एक होता ही जाएगा, तो इसका ख़त्म कहाँ पे है? देयर इज़ नो एंड इन साइट, यू नो। तो इसमें जो है, एक तो आप मिशन मोड का जो है नाम इसमें खराब होगा, मिशन मोड का मिशन ही इसमें फेल होता दिख रहा है। तो अब बाकी जनता के हाथ में, जनता जनार्दन होता है, आप सब इसको किस हिसाब से देख रहे हो और कैसे जो है आप एक्शन ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, मैं बस अपना व्यूज़ और मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है मैंने वो आपको एक्सप्रेस किया। बाकी आप सबको पता है कि मेल कहाँ करना है, ग्रीवेंस कहाँ फाइल करना है, पिटीशन कहाँ देना है। ऑब्वियसली तभी जो है ये बार बार रीटेस्ट हो रहा है, कोई ना कोई तो पिटीशन तो फाइल करते ही जा रहा है ना, इसीलिए हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा चीज़ बेस्ट होता है, तो उस हिसाब से आप जो है SSC को बताइए कि रीटेस्ट अगर इफ एट ऑल लेना ही है रीटेस्ट, तो आप पर्टिकुलर एक सेक्शन का रीटेस्ट ले सकते हो, लेकिन पूरा टोटल आप रीटेस्ट लोगे तो वो चीज़ देखिए एस्पिरेंट्स के लिए भी ख़राब है और इस एग्ज़ाम के फ्यूचर के लिए भी ख़राब है, ठीक है। तो चलिएगा, इस नोट के साथ ख़त्म करते हैं, और बाकी कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं। अभी आज तक जितना भी प्रेडिक्शन वगैरह का वीडियो बहुत निकल चुका है, ऑलरेडी डेट्स वगैरह लिखा हुआ है, कट ऑफ लिखा हुआ है, तो सब कुछ मतलब एवरीथिंग हैज़ बिकम नल एंड वॉइड टुडे। जितना भी आपने वीडियो देख लिया, सब समय की बर्बादी थी और कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ फिर से नया होगा। जितना एग्ज़ाम बार बार होता जाएगा ना, कट ऑफ उतना बढ़ता जाएगा, ये चीज़ तो अंडरस्टूड है, ठीक है। और जितना ज़्यादा जो है रिटेस्ट होगा, टाइम भी उतना ज़्यादा मिलेगा, और उस हिसाब से जो है कट ऑफ भी चढ़ेगा, क्योंकि एस्पिरेंट्स ज़्यादा क्वालिफाई होंगे। तो पूरा केमिस्ट्री जो है नए से होगा, पुराना वाला सब कुछ भूल जाइए। चलिए बस, बाय।